तो वैसे चलो बात करते हैं आज का विटी लिटिल बेस्ट T20 के मैच में। तो आज मैच खेला जाएगा ये एक यॉर्कशायर वर्सेस डर्बन के बीच में खेला जाएगा। तो एक बार टीम देख लेते टीम करेगी, तो उससे पहले हम देख लेते लास्ट मैच का उनका परफॉर्मेंस क्या था। तो पिछले मैच में यॉर्कशायर ने लैंसेस के सामने हार करा रही है 31 रन से। उनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं यॉर्कशायर के यॉर्क के बैट्समैन के। एडम लिथ 24, डेविड मॉर्गन 50 रन की पारी खेली थी। कॉर्मोरी सिर्फ 1 रन बनाए थे। रूट कैप्टन 17 रन बनाए थे। हरी ब्रुक 29 और साधन का 16 रन बनाए थे और कोई नीचे खास रन नहीं बना पाए थे। वही बॉलिंग सेक्शन में जॉर्डन थॉम्सन लास्ट डेथ ओवर में आकर 2 विकेट लिए थे, टोटल 3 विकेट लिए थे। आदिल रशीद 1 विकेट, शादाब खान 1 विकेट, मैथ्यू रेस और हरिशफ दोनों ने 1 विकेट ली थी। ये था उनका यॉर्क का पिछले मैच का परफॉर्मेंस। वही डर्बी ने पिछले मैच में एक बड़ी मार्जिन के साथ जीत कराई है 17 रन से लैंचेस्टर के खिलाफ। तो उनका बैटिंग रिकॉर्ड देखो, मसूद कैप्टन था पाकिस्तान का, 33 रन की पारी खेली थी। एल रिस 19 रन, केन हैरी केम 8 रन, मैंडेसन 8 रन और ब्रूक गेस्टर 3 रन मारे थे और लुइस डू पोली 38 रन की पारी खेली थी। ये था उनका बैटिंग रिकॉर्ड। और बॉलिंग में अच्छा खासा सब लोगों को आउट की थी। हेडन केयर 2 विकेट, मैंडेसन 1 विकेट, मार्क वेट 1 विकेट, मैट मैकनिन 2 विकेट, जॉर्ज सिग्मी 1 विकेट और सैमुअल कॉर्नस 1 विकेट ली थी। ये था उनका रिकॉर्ड पिछले मैच का। चलो टीम देख लेते हैं। तो वैसे स्मॉल लीग टीम रहेगी, इस टीम में 4 बैट्समैन लिया हो, एडम लेथ, डेविड मिडल, सैम मसूद और वेन मैंडेसन। एडम लेथ के लिए पिछले मैच में रिसेंट मैच में अच्छा खासा रन बनाए, पिछले मैच में 24 प्लस 2 विकेट लिए थे और उससे पहले 21 रन बनाए थे। ये भी एक अच्छे पारी गए, 1 डाउन बैटिंग करने आते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। और डेविड मॉर्गन इंग्लैंड के बैट्समैन हैं, ओपनिंग करने आते हैं, पिछले मैच में 50 रन की पारी खेलते और उससे पहले कुछ खास रन नहीं बना पाए थे। ओपनिंग करने आते अच्छे बैट्समैन हैं, आप जोड़ भी सकते हो। शॉन मसूद ये भी कैप्टन ऑफ डर्बन है, पिछले मैच में देख सकते हो मैच इनिंग पारी खेली थी 53 रन की और उससे पहले सिर्फ 12 रन बनाए थे। ये भी एक अच्छे बैट्समैन ओपनिंग करने आते हैं। और वेन मैंडेसन, मैंडेसन भी एक अच्छे बैट्समैन प्लस बॉलिंग भी करने आते हैं, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। पिछले मैच में 8 रन 1 विकेट ली थी, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। और उससे पहले 20 रन सिर्फ 1 डॉट बॉल की थी। इन्होंने बैटिंग बॉलिंग भी करने आते हैं, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। और विकेट वे सेक्शन में टॉम कोडल कारमोर को लिया हूँ मैं। आप देख सकते हो पिछले मैच में उन्होंने उतना खास रन नहीं बना पाए, सिर्फ 1 रन बना पाए, पर उससे पहले 67 रन की पाई गई थी। ये भी एक अच्छे पिक हो सकते, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। आप उनके जगह ब्रोक गेस्ट को ले सकते हो। ब्रोक गेस्ट को पिछले मैच में अच्छा खासा रन नहीं बना पाए थे, सिर्फ 3 रन बना पाए थे, पर उससे पहले 54 रन की पारी गई थी। पर मैं कॉर्मर के साथ जा रहा हूँ रेस्ट लेकर। वही आठ रनों में जॉर्डन थॉम्सन, मैकलेन और शादाब खान। जॉर्डन थॉम्सन विकेट अगर बोल रहे हर मैच में विकेट लेते, पिछले मैच में 3 विकेट लेते डेथ ओवर में आकर और उससे पहले 2 विकेट लेते, विकेट टेकर बोल रहे, इसे मैं उनको पिक किया हूँ। तो और एक मैक किरमेन, ये भी एक अच्छे बैट्समैन है प्लस बॉलर भी है। आप देख सकते हो पिछले मैच में 2 विकेट ली थी और उससे पहले 26 रन प्लस 1 विकेट। बॉलिंग में बैटिंग करने आती, थोड़ा ऊपर करने आते, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। और लास्ट में शादाब खान पाकिस्तान का स्पिनर है, विकेट टेकर बॉलर है, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। 16 रन प्लस 1 विकेट और उससे पहले मैच में सिर्फ 5 रन विकेट नहीं लिए थे। आप उनके जगह किसी और के साथ जा सकते हो। लुइस डू पोली का अपना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्म की थी, सिर्फ 38 रन की पारी खेली थी, पर मैं इनको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं शादाब खान के साथ जा रहा हूँ। वही बॉलर में हरिशरॉफ, आदिल रशीद और हेडन केयर। हरिशरॉफ एक अच्छे बॉलर है, आप देख सकते हो पिछले मैच में 1 विकेट प्लस मैडन ओवर भी की थी। तो एक अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के, बॉलर पेस बॉलर है, इसलिए मैं उनको पिक किया। और आदिल रशीद ये भी एक इंग्लैंड बॉलर, स्पिन बॉलर, मिस्टर बॉलर है, पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट ली थी, 7 रन बनाए थे और उससे पहले सिर्फ 1 रन नहीं बनाए थे। ये भी एक अच्छे पिक हो सकते। और लास्ट में हेडन केयर भी एक अच्छे बॉलर है, पिछले मैच में देख सकते हो उन्होंने 1 विकेट ली थी और 90 रन बनाए थे, थोड़ा ऊपर करने बैटिंग करने आते, इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। आप उनकी जगह किसी और के साथ जा सकते हो। वही कैप्टन वाइस कैप्टन में कैप्टन मेरा जॉर्डन थॉम्सन रहेगा और वाइस कैप्टन में ये रहेगा हरिशरॉफ। ये रहेगी मेरी स्मॉल लीग की टीम गाइस।
तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, फ्री फ्री में ज्वाइन करके फ्री में विनिंग कर सकते हो, एक बहुत ही बड़े ऐप है, ट्राई कर लो गाइस। थैंक यू गाइस।